नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। हाँ, हम लोग हैं रीमा वाले एरिया में, काफली काफली से ऊपर हरिनाग मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे नागदेव वीडियो के माध्यम से। बने रहिए पूरे वीडियो में। वहाँ पे भागवत यज्ञ का कार्यक्रम वहाँ पे चला है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी हम लोग काफली वाले क्षेत्र में हैं। देखिए नज़ारा रीमा का दिखाते हैं पहले, फिर पपोली होते हुए, काफली पपोली होते हुए सीधे हरिनाग मंदिर की तरफ हम लोग रवाना होंगे। तो ये है रीमा खड़िया खान वाली एरिया, और रीमा का शिवालय यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफली से। वो ऊपर जाना है हमने उस पहाड़ी पे, हल्का सा मंदिर का हिस्सा दिखाई दे रहा है हरिनाग मंदिर, पपोली उधान जिसको बोला जाता है। और इस रास्ते से हम लोग जाएंगे श्री हरिनाग मंदिर में पहुंचने के लिए। जो मेन रोड है रीमा बीसा ओडियार होते हुए जो रोड आती है, उस रोड में काफली नामक एक जगह पड़ती है। वहां से पैदल ट्रैक है, लगभग 2 किलोमीटर का, हल्की सी चढ़ाई और शानदार ट्रैक है। और हम लोग काफली से ऊपर को चलेंगे। एक रास्ता उधर सुरकाली गांव से है आगे, और बागेश्वर से आने के लिए जिला मुख्यालय से यहां की दूरी लगभग 25-30 किलोमीटर है। और नज़दीकी बस स्टेशन के रूप में बागेश्वर जिला मुख्यालय में बस स्टेशन है। और यहां आने के लिए संधा सा रास्ता जंगल से बीचों बीच बना हुआ है, तो दिखाते हैं ये रास्ता भी आपको। पूरा माल्टा नारंगी का एरिया हमको मल्ला पपोली में दिखाई दे रहा है, चूर वाला एरिया इसको बोला जाता है। और भक्तों की श्रद्धालुओं की निरंतर भीड़ बढ़ते जा रही है जैसे जैसे आगे हम रास्ते पे जा रहे हैं। तो वो दिख रहा है बिचल्ला पपोली, वो ऊपर धुर वाला एरिया। तो जंगल वाला ट्रैक है शानदार सा, और रास्ता उबड़ खाबड़, पहाड़ की पगडंडियों पे चलने का आनंद ही कुछ और है। आज संडे का दिन, तो मंदिर में काफ़ी भीड़ वहाँ पर होगी। हम लोग भी पपोली का जो गांव है वो पार करके निकल चुके हैं सीधे ऊपर धुर वाले जंगल में। और यहाँ से थोड़ा सा मल्ला पपोली वाला एरिया दिखाई दे रहा है, और काफल के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ काफल भी लगे हैं यहाँ पे, बांस के और अन्य बुरांश के पेड़ भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी मिठास हवा में और ठंडक है, पसीना भी हो रहा है ऊपर चढ़ाई चढ़ने में। अभी 1 घंटा का समय और लगेगा हमको हरिनाग मंदिर में पहुँचने में। बने रहिए नागदेव वीडियो में। बीच में गाढ़ गधेरे भी आ रहे हैं, लेकिन आजकल पानी तो है नहीं बिल्कुल भी। तो पहुंच चुके हैं चबूतरे पे, एक रेस्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे अभी, उसके बाद आगे को मूव करेंगे। तो बहुत शानदार सी लोकेशन है इस वन की, ऐसा लग रहा है जैसे कि नैमिषारण्य वन में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये मंदिर का है गेट, यहाँ से शुरू होने वाली है चढ़ाई सीढ़ीदार वाली। और ये खाई बनी है, यहाँ पे एक नौला भी बना हुआ प्राचीन। जय हो। बहुत शानदार सीढ़ीदार रास्ता यहाँ पे बना हुआ है ऊपर गेट तक, और बहुत अच्छी कलाकारी गेट में भी यहाँ पर करी गई है, दिखाते हैं आपको। चलते चलते हम लोग गेट पे पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पे भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है, तो थोड़े से लेट हो गए हम लोग। कोई बात नहीं, फिर भी 11-11:30 बजे पहुंचने का टारगेट था, 12 बजने वाला है अभी। और मोहंदा भी साथ साथ में है, पीछे से बहुत सारे श्रद्धालुगण की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। बने रहे नागदेव वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस प्रकार के हमारे नाग मंडल जो मंदिर हैं, पूरे नाग कॉरिडोर
का जो एरिया है वो आपको दिखाएंगे, हर एक नाग मंदिर के दर्शन नागदेव वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छी लगी तो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हरि नाग देवता। महाराज प्रतिबल आपने की कुआ में बगल में बैठनी देखने तो एक सुंदर नारी चुप महिला चुप मैं होता वो दिव्य महिला का देखो पूछो अरे देवी तू पूछे ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत शानदार आश्रम गेट को सजाया गया है और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम चार आश्रम चार भाग में हमारे जीवन बट रखो चार भाग कर रखे एक वर्ष बैठी 25 वर्ष का हमन का विद्या अध्ययन करना चाहिए पठन पाठन पढ़ जाने शिक्षा ले जाए और 25 बेटी 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम विवाह संस्कार करण छू धनाजी ले कमाण छू परिवारों के लिए भरण पोषण करण छू जब 50 वर्ष पूरे जानी तो 50 से 75 वर्ष तक रखो वानप्रस्थ आश्रम फिर माया मोह छा कर जाए घर जो संपदा छू घर जो कारोबार छो 50 साल बाद रोड वो पकड़ भी नहीं देना जो भारी हाथ में नरगढ़ वाला एरिया और नीचे फरसाली वाला एरिया दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो यहाँ से दिखता है शानदार व्यू। माया मोह कम हो जाने लेकिन माया जो है लेकिन माया तो है जाने ये राउंड घूम ना वो गंगा मैया का है माया पीड़ित है और चाय की व्यवस्था में तैनात है लोग यहाँ पे। बहुत शानदार तरीके से मंदिर को सजाया गया है फूलों से। यह है धुनी और बुड्ढा और ठीक ठाक
धरती न हम में बल हैं, न हम में धरती, न हम में साधन, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में शक्ति। वो फूल हम हैं जो खिल सके ना, वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं जो खिल सके ना, वो फूल हम हैं जो खिल सके ना, वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे दर के है हम पुजारी, तुम्हारे दर के है हम पुजारी, कृपा करो महाराज, यह चलक पालन पोषण तुम्हारे का यहाँ नहीं हो, मैं कह दीदी हो या पाल पोष में जब यहाँ 8 साल है जानो, मैं तुमन का भोजन अष्टा बसुन में छू, यह कोई सामान्य है थी, कोई मनुष्य योनि है, यह बसु तुम लग रहा है अष्टा बसु, ये चलो तुम्हारा 8 वर्ष छू, यह मैं 8 वर्ष में तुमन का दी दी, तब तक मेरे पास करो, मैं यह दीक्षा शिक्षा सब दिनों तुम्हारा संतन जो 8 चल छियो उकेले भी गंगा मैया लेगी, उन्हें वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेजो विद्या अध्ययन करने लीजिए, वशिष्ठ मुनि के द्वारा दीक्षा शिक्षा प्राप्त करे छु, यो गंगा पुत्र गांगेय, एक नाम गांगेय तो गंगा या अदत्त कुमार गांगेय, गंगा द्वारा जो पुत्र राजा शांतनु के दी गए उन्हें नाम पढ़ो गंगा दत्त या गांगेय, बंगाल जीरा तो। और बता चर्चल कीर्ति करता हो, कीर्ति करता कुमार से भवता तो सुप्रत हो बोला राजा तुम्हार चलो अमर है जाल अमर रोल और कीर्ति करता, ये कीर्ति एक यश
दस दिशान में फैल जाता है। और जो वेद जो शास्त्र ज्ञान है परशुराम की पास थी वो अस्त्र शस्त्र वेदन के ज्ञान ने मैंने कुमार पुत्र का दिया। अब ये ज्ञान आदि प्राप्त है गो 8 साल का है गो कुमार। अब गंगा जी दर्शन कराते महाराज शांतनु रोज जाने में गंगा नदी किनारे कि गंगा तो मिलने की वे गंगा तो नाराज है भी। लेकिन दर्शन कराते गंगा स्नान कराते जाने में कि गंगा गंगा यो बुरियात योजना नाम सती रपि मुच्यते सर्व पापे विष्णु लोकम सदच्छति। कि जो गंगा पास में न जा सकन गंगा स्नान न कर सकन तो अपन घर बैले वो गंगा गंगा तो कह सकू नाम तो ली सकू नाम लेना कोई टिकट दे के पड़े कोई खर्च दे के लागण कफत घट जाए नान बख जब कर आती हाथ मुंह दिशा नाचा पीछा ऊ पाने गंगा के जो हमारे नलन में होना जो हमारे भितेरे में होना जो हमारे धार नलन में होना यह जल गंगा के। लेकिन गंगा का देखते हुए हम नाम नहीं लेंगे अगर हम जय गंगा ले तू लो तो हमारा पाप ताप सब दूर है जाएगा आत्मा परिस्थित है जल शुद्ध है जल तो जरूर रावण में का रोज गंगा मैया की जय हो गंगा गंगे की योग भैया और योजना ने सतर अपने सो योजन दूर बटे ले तू गंगा गंगा को ला तो पाप न बटे बनता है वे हर मंदिर का प्राप्त है जल हर एक मंदिर का मतलब जो जो भगवान को तुम पूजचा जगत को मानचा वो धाम प्राप्त है जल। भगवान विष्णु भक्त विष्णु लोक में जाने शायद शिव लोक में जाने माँ जगदम्बा जो भक्त शान वो मणद्वीप में जाने महामाया जगदम्बा जो भगवती जो मणि की पास ही पास नहीं मणद्वीप में एक पास। अब एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी किनारे में गए तो देखो तो आज गंगा में पानी ना है। अरे जो पानी का क्यों हो विचार करो जो कैल जो ख्यालों में ली जाते जाते कहीं मिल के दिखे तो देखो कि 8 सालों का बालक 8 वर्ष के एक बालक अपन धनुष में बाण चढ़ा दे रहा गंगा में तीर मार रहा है और बिल बाण ने बांध बाधिया लो बिल्कुल कान का रुख है पा गंगा में के रुख या लो और शांत में जब देखो उनको अरे ये दुष्ट बालक को जो पापी को जो मेरे प्रियतमा प्रियसी गंगा का यज्ञ का बाण ने वेदन कर रहा बाण ने मार रहा है तुरंत तरकस में बाण निकालो और अपन धनुष में चढ़ा फैल महाराज शांत में गजल वो राजकुमार वो बालक से मारने लीजिए जो गंगा का अपमान कर रहा कभी दुखने जैसे धनुष में बाण चढ़ा रख से और वो बालक का वो सावधान राजा महाराजा बीर लोग पछेल में बाण न करना पीठ में बाण न करना वो सामने में ललकार भी पुकार भी युद्ध करने में धर्म युद्ध है क्या नाम युद्ध तो युद्ध है वैसे किसी ने करो लेकिन धर्म युद्ध सचेत कर भी आमने सामने में ठहरे हुए जो युद्ध होलो इसे धर्म युद्ध कही जाए और जो पछड़े में मारो वो पाप युद्ध हो तो तुरंत जब सावधान वो बालक जो ललका रहो तो वो बालक का चाण है पहले गंगा प्रकट है गे और तुरंत बालक ने अपने बाण जो गंगा में मारो थी राजा तरफ कही है अब पिता पुत्र में युद्ध तैयारी है देखो वो राज बाप छो वो बालक चल छो लेकिन चल पछाने ने भाई मेरे बाप छो और बाप पछाने ने भाई मेरे चल छो। अब यह संकेत तो मैं बदो नहीं रहने तुरंत गंगा प्रकट है और गंगा मैया आते रात को महाराज धनुष में बाण उतारो यो कोई और है यो तुम्हारे राजकुमार छो राजकुमार प्रसन्नता है हे गंगा देवी आज के मेरे कुल की रक्षा करे हरी इनु देख ये है पहले 7 चालन को तो गंगा मार गई आज 8 को राज मार दे अगर राजा द्वारा वो 8 पुत्र मारी जानो तो वंश अब निर्वंश से है जान नाश है जान तो कुल कलंक है जान राज के गोत्र हत्या लग जाए अपन पुत्र को बात करवा दे तुरंत जजाले धनुष मार करो बालक का आलिंगन करो पोछो पलाशो लाल प्यार करो और गंगा मैया थे अच्छा देवी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाद दिन में तीर मेरे बच्चे की रक्षा करी 8 साल में राजकुमार रह गयो और महाराज उनके रथ में बैठा गंगा मैया आज विदाई ले राजभवन हस्तना बोलो आपस है गजाव है उपखता नाम की गजाव हो तो मतलब गजा न घट हस्ती ले हाथी से गए हस्ती मानता हाथी गज माने हाथी
तो गजा हुए वापस आई। तो व्यास महाराज जो कथा सूत जी जो छा सोन गाजे 8000 से मुनिम के नैम सागर में सुनो लग गई। और यह कथा हस्तिनापुर नरेश महाराज जन्मे दे के स्वयं व्यास देव सुनो ले तो बतू ने कुने की सुनो राजा। गंगा वतरणम पुण्यम वसुनाम संभवम तथा यस्य होते नर पापा मुच्यते नात्र संशय। क्या करूं मैं राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लपटी विभूत में है खजाना कुबेर का लपटी विभूत बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लपटी विभूत में है खजाना कुबेर का लपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहार आयो शरण तिहार संभुतार दो आयो शरण तिहार संभुतार दो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो कैलाश के निवास आयो शरण तिहार संभुतार कर दो आयो शरण तिहार तो दिखाते हैं रीमा का शानदार सा व्यू रंगीली नाकुरी जिसको बोला जाता है। पूरा रीमा से लेके बाफिला गांव ठाड़ा इजड़ और क्या क्या दिख रहा है यहाँ से पता नहीं ज़्यादा नाम तो नहीं आते हैं उधर बैकोड़ी इसके पार और धर्मगढ़ वाला एरिया। और ये शिखर का जो पर्वत सबसे ऊंची दिख रही है वह है शिखर मूल नारायण जी का मंदिर जहाँ पर है शिखर पर्वत श्रेणी। और इसके पल्ली साइड आपने नरगढ़ परगढ़ फरसाली गुलेर वाला एरिया देखा अभी सब है। और बहुत भव्य धाम को सजाया गया है। Thank you.
सब्सक्राइब करना ना भूलें नागदेव वीडियो, हमारे पहाड़ के कल्चर संस्कृति रीति रिवाज से दिखाते रहेंगे नागदेव वीडियो में आपको। प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि भारत की रसोई नीति टंकी के पास बनाई गई है। अगर आप रुक सकते हैं तो चावल का आनंद ले सकते हैं।
हेलो हेलो, हमारे गो अंडरपास अंडरपास स्टील वाले को एक पर मुट्ठी हो साफ हो बोले ये मुट्ठी तीन बनार भी दी गया से पास तीन साफ जाए और कहते पास जटा मौसी नया रिया कोई करके मैं सुबाई दू कुछ वो ऊपर ले चुकी है अगल बड़ी बड़ी ला दिया और बनार में दी दिया हेलो हेलो, छोटे बच्चे जो बात की रसोई में है थोड़ी देर और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी की रसोई अभी पूरी नहीं हुई है, आपको जरूर किया जाएगा, काफी है, थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं छोटे बच्चे। अभी वहाँ हमारे कार्यकर्ता खाली हो जाते हैं फिर तो उसके बाद आपको बात करेंगे। छोटे बच्चे जो नीचे वाले प्रांगण में है थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं। तो आज का दिन का भंडारा शुरू हो चुका है जिसमें लगभग 500-600 लोग प्रतिदिन यहाँ पे भोजन कर रहे हैं भागवत में। खाना खाने के बाद